हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि की स्टॉक सॉफ्टवेयर में हम ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को कैसे स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने की स्टॉक सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। की स्टॉक सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपके लिए लेफ्ट में सेलेक्ट करना होता है कि हमारे लिए कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को स्कैन करना है। हम आगे देखेंगे कि हमारे लिए स्विंग ब्रेकआउट लेना है या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स को स्कैन करना है, उसको हम आगे देखेंगे। पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स में हमारे लिए ब्रेकआउट दिखना है। तो मैं यहाँ पर निफ्टी 200 को सिलेक्ट करता हूँ और निफ्टी 200 वाले स्टॉक्स में हम देखेंगे कि स्विंग ब्रेकआउट कौन सा स्टॉक्स कर रहा है, ताकि हम उनमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देख पाएँ। यहाँ पर हमने निफ्टी 200 को सिलेक्ट किया। निफ्टी 200 को सिलेक्ट करने के बाद हमारे लिए डायरेक्ट यहाँ पर आना है एनालिसिस सर्च पे। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिखाई देगा ब्रेकआउट एनालिसिस का। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है कि आपके लिए जिन स्टॉक्स में स्विंग ब्रेकआउट हुआ है उनको सर्च करना है। हम इस पर क्लिक करके या जिन स्टॉक्स में सिंपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है हमारे लिए उनको स्टॉक्स को सर्च करना है, जिन स्टॉक्स में ब्रेकडाउन हुआ है हमारे लिए उनको स्कैन करना है, या जिन में स्विंग ब्रेकडाउन हुआ है हमारे लिए उनको स्कैन करना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम जिन स्टॉक्स में स्विंग ब्रेकआउट हुआ है हमारे लिए उनको स्कैन करना है, उसके बाद हम सिंपल स्कैन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जिन भी स्टॉक्स में स्विंग ब्रेकआउट हो रहा होगा वो हमारे सामने यहाँ पर सारे आ जाएंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर आ रहा है बंधन बैंक सबसे पहला स्टॉक, उसके बाद आ रहा है भारतीय एयरटेल। इसमें आपको अगर मैं आप यहाँ पे देखोगे इसमें दिखाई दे रहा है ये पहला स्विंग बना, उसके बाद नीचे आया स्टॉक्स, उसके बाद यहाँ पर इसके ब्रेकआउट के लिए रेडी है। ये स्विंग ब्रेकआउट होता है, अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहो तो यहाँ पर एक हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। निफ्टी 200 में केवल दो ही स्टॉक्स हैं जिनमें स्विंग ब्रेकआउट होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम की स्टॉक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कुछ ही मिनटों में स्विंग ब्रेकआउट या स्विंग ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।